हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस ऑफ द फोटोग्राफी। और आज मैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका नाम है कि हाउ टू क्रिएट वर्टिकल पैनल्स इन योर फोटो। तो आज हम जानेंगे किस तरीके से वर्टिकल पैनल्स को हम क्रिएट करते हैं। दूसरा, अगर आपने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव समय पर मुझे देते रहें। तो बिना किसी देरी के बहुत ही शॉर्ट नोटिस में ये मैं बना के आपको दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी और बहुत इजीली आप सीख सकें। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करूँगा। देखेंगे आपके सामने एक इमेज ऑलरेडी ओपन है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा। आप जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ज़रूरी है, ज़रूरी क्या, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि एक डुप्लीकेट लेयर बना ली जाए। इसके बाद मुझे करना है कि एक एडजस्टमेंट लेयर मुझे यहाँ पर बनानी है जो कि सॉलिड कलर की होगी। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एडजस्टमेंट पर, आप देख रहे होंगे। एडजस्टमेंट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे टॉप पर दिखेगा, मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, सॉलिड कलर एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको दिखेगा। आप सिंपली इसे अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पर कलर चूज़ करने का ऑप्शन देगा, मैं यहाँ पर वाइट सेलेक्ट करके रख रहा हूँ, ठीक है। वाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये अप्लाई हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, इस वाली लेयर के जस्ट नीचे, जो लेयर वन आपने बनाई थी उसके जस्ट नीचे कलर फिल वाइट कलर का हमने जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट किया। देन आई एम गोइंग टू, यहाँ पर आपका रेक्टेंगल्स टूल्स हैं जो दिए होते हैं, आपने देखा होगा रेक्टेंगल्स है, राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं। तो इस कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, मैं इस बार जो रेक्टेंगल है वही रेक्टेंगल ही चूज़ करूँगा। और क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पर एक वर्टिकल पैनल क्रिएट करना है लाइक दिस। मान लीजिए कि मैंने एक वर्टिकल पैनल इस तरीके से क्रिएट किया है और मैं इसे यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखना है कि आपको कलर कौन सा चूज़ करना है। मैं कलर यहाँ पर वाइट ब्लैक पिक कर रहा हूँ, ठीक है। और जो बॉर्डर है वो मैं नन रख रहा हूँ, कि बॉर्डर कोई भी नहीं रखना चाहता हूँ। देखेंगे ये लेयर या रेक्टेंगल की यहाँ पर लेयर वन के नीचे बनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस लेयर को यहाँ से ड्रैग करके सबसे ऊपर ले आऊँगा। तो इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने जो यहाँ पर क्रिएट किया। मैं क्या करूँगा, इस बार इसे ट्रांसफॉर्म कर लूँगा थोड़ा सा, और इसे मैं वर्टिकली मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये मैंने इस वक्त चेंज कर लिया है। और सिंपली अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो लेयर थी मैं इसे इसके ऊपर दोबारा से ले जाऊंगा, लेयर वन को, और इस लेयर को क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके डायरेक्टली क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो क्या होगा कि आपने जो वर्टिकल पैनल क्रिएट किया था उस पैनल के अंदर वो इमेज डायरेक्टली आ चुके हैं। नाउ अब जो वर्टिकल पैनल है इसमें कुछ हम तब्दीलियाँ करेंगे, कुछ लेयर स्टाइल की थोड़े से इफेक्ट ऐड करेंगे जिससे देखने में थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, लेयर पैनल खुल जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रोक देना चाहूँगा, तो मैं स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कलर आ जाता है। मैं कलर वाइट दे रहा हूँ, वाइट सेलेक्ट है। और इसकी रेडियस जो है आप चाहें बढ़ाना या घटाना चाहें, तो मैं बढ़ा रहा हूँ लगभग 5। और इसकी मैं जो लेयर जो अप्लाई होगी, जो पोजिशन है वो मैं इनसाइड रख रहा हूँ कि वो अंदर की तरफ अप्लाई हो, ठीक है। इसे मैं इनसाइड करने के बाद अब आ जाऊँगा थोड़ा ड्रॉप शेडोज़ पे। ड्रॉप शेडोज़ पे आने के बाद मैं यहाँ पर थोड़े से ड्रॉप शेडोज़ अप्लाई कर रहा हूँ, लगभग 25 के अराउंड मैं इसका एपेसिटी रख रहा हूँ, एंगल 120 है। डिस्टेंस मैं थोड़ी सी कम कर दे रहा हूँ, डिस्टेंस लगभग मैं 20 के आसपास रख रहा हूँ। और स्पीड मैं थोड़ी सी और कम कर दूँगा, स्पीड रखूँगा मैं 15 के आसपास। और साइज़ जो है फैदर का अगर देखेंगे तो मैं घटाना या बढ़ाना चाहूँ तो, लेकिन मैं साइज़ 35 के अराउंड रख रहा हूँ। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ें। तो मैं यहाँ पर जो अलग अलग शेप्स हैं यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो शेडोज़ है वो दिखेगा। तो मैं फर्स्ट नंबर वाला शेडोज़ जो है हाफ एंड हाफ वाला सेलेक्ट करके रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक पैनल इस वक्त रेडी हो गया। अब करना क्या है, मैं फर्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करना है एंड देन सेकेंड वाली जो आपकी रेक्टेंगल्स लेयर थी, इन दोनों को लेयर को सेलेक्ट करने के बाद कमांड जी या कंट्रोल जी प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एक ग्रुप का आइकॉन है वो क्लिक करके आप इसे ग्रुप में तब्दील कर लें। तो मैं कमांड जे प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी कंट्रोल जे करूँगा। और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ग्रुप जो है वो बना लिया। तो देखेंगे कि इस वक्त आपका ये ग्रुप यहाँ पर रेडी है। सिंपली करना क्या है कि इस ग्रुप को मैं कॉपी करने वाला हूँ, तो कमांड जे प्रेस करूँगा, तो देखेंगे लेयर ग्रुप वन कॉपी हो जाएगा। इसको अगर ओपन करें तो यहाँ पर वही चीज़ अप्लाइड है जो आपने फर्स्ट पैनल में बनाई थी। तो इस बार रेक्टेंगल्स को हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, कमांड टी प्रेस करेंगे जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए।
ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको थोड़ा सा इस तरफ ऐसे हम ड्रैग कर देंगे। तो देखेंगे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वो सामने की जो इमेज आपकी पहले से ऑलरेडी है वो क्लिपिंग मास्क में है ही अप्लाइड है, बस आपको जो पैनल्स हैं वो ड्रैग कर करके पूरे फ्रेम में पूरी फोटोज में फिल करने। तो मैं कुछ इस तरीके से फिल कर रहा हूँ, हल्के हल्के से चेंजेस करने के बाद कुछ आप देखते रहें। ये मैंने कर लिया है, मैं इस ग्रुप को बंद कर दे रहा हूँ। दूसरा मैं फिर से कमांड जे या कंट्रोल जे प्रेस करके फिर से एक ग्रुप बना रहा हूँ, इसे भी कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करूँगा, ड्रैग करूँगा और इसकी भी एपेसिटी थोड़ी सी मैं इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे मैं इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दूँगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, दूसरे फिर से मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और इंटर करूँगा दोबारा इसके अंदर यहाँ से और फिर से कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म ड्रैग करूँगा और फिर से इसका थोड़ा सा रेशियो मैं चेंज कर लूँगा ड्रैग करके और थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ कुछ इस डायरेक्शन में। तो मैंने इसे छोटा कर लिया, फिर से इसे बंद करूँगा और दोबारा जब तक आपका फ्रेम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप इस तरीके से करते रहें। मैंने दोबारा कर लिया है, इस बार मैं फिर से आऊँगा कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ड्रैग करूँगा कुछ इस तरीके से और मैं इसे इस डायरेक्शन में थोड़ा सा प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा बड़ा चाह रहा हूँ कि चौड़ा हो और बार बार उसमें कटआउट से ना लगे। तो इतना करने के बाद दोबारा से मैं कमांड जे, फिर से एक लेयर आ जाएगी आपकी और दोबारा से कंट्रोल टी और यहाँ पर आके कंट्रोल टी प्रेस करना है और ड्रैग कर देना है, मूव करना है अकॉर्डिंग टू यू कि आप जैसा चाह रहे हैं उस तरीके से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हिस्सा आ गया, अब लास्ट का कॉर्नर मुझे बनाना है तो कमांड जे और कंट्रोल जे, फिर से मैं यहीं पर रेक्टेंगल्स जो आपने क्रिएट किया था कंट्रोल टी और इसे मैं ड्रैग कर दूंगा कुछ इस डायरेक्शन में और इसकी जो मूव है मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे पतला कर दूंगा इस तरफ से यहाँ से और इस डायरेक्शन में मैं रख दे रहा हूँ। तो ये देखेंगे कि आपका आप जैसे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए तो मैं ग्रुप थर्ड में आ जाऊँगा, जो थर्ड ग्रुप था मैं थोड़ा सा इसे अलाइन करना चाहूँगा कंट्रोल टी, वो थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है तो मैं इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और इसकी जो हाइट है थोड़ी सी बढ़ा दूंगा इस तरीके से और इसे मैं इस तरफ प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अब लग रहा है। तो अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाऊँ कि इस इमेज को आपने कुछ इस तरीके से पैनल्स में क्रिएट करके एक अच्छा सा पैनल का लुक, वर्टिकल पैनल का लुक दे दिया है। तो आप किसी भी इमेज को आप जो डिज़ाइन करते हैं जैसे कोलाज बनाते हैं तो कोलाज में कई सारी इमेजेस लगाते हैं, लेकिन अगर आप एक ही इमेज में कई सारे वर्टिकल पैनल, अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टल पैनल्स भी बनाना चाह रहे हैं या ट्रायंगल में बनाना चाह रहे हैं तो प्रोसेस सेम यही है। आप इसे वर्टिकली रख लें, उसमें जिगजैग मोड में रख सकते हैं या किसी और डायरेक्शन में भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं, ये वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो आई थिंक ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल है। तो ट्यूटोरियल को कंप्लीट देखें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको ज़्यादा एटलीस्ट आपको पूरा समझ में आएगा किस तरीके से बनाया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और बने रहें यूं ही मेरे साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा ले रहा हूँ और नमस्कार, जय हिंद।